इस वीडियो में बनाएंगे एक 3 बिंदुओं का नियंत्रण परिपथ कंट्रोल सर्किट ऑफ अ लैम्प फ्रॉम 3 पॉइंट्स। 2 मुख्य मीटर को जोड़ना कनेक्टिंग मेन मीटर। 3 स्थिर धारा चार्जिंग परिपथ कांस्टेंट करंट चार्जिंग सर्किट। 4 स्थिर वोल्टेज चार्जिंग परिपथ कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग सर्किट। 5 बैटरी चार्जिंग द्वारा बैटरी चार्जिंग विधि बैटरी चार्जिंग मेथड बाय बैटरी चार्जर। 8 कंट्रोल सर्किट ऑफ अ लैम्प फ्रॉम 3 पॉइंट्स। सबसे पहले सप्लाई बनाएंगे, फेज को 2-वे स्विच से जोड़ेंगे। अब उस स्विच के दोनों सिरों को इंटरमीडिएट स्विच के एक भाग के दोनों सिरों से जोड़ेंगे। इस 2-वे स्विच में तीर ऊपर की ओर होगा। इंटरमीडिएट स्विच के दूसरे भाग के दोनों सिरों को 2-वे स्विच के एक सिरों से जोड़ देंगे। इस 2-वे स्विच में तीर नीचे की ओर होगा। 2-वे स्विच के दूसरे सिरे को लैंप से जोड़ेंगे। लैंप के दूसरे सिरे को न्यूट्रल से जोड़ देंगे और इस तरह सर्किट तैयार हो जाएगा। 2 कनेक्टिंग मेन मीटर। सप्लाई को लोड से जोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि जब मीटर को जोड़ें तो रीडिंग प्राप्त कर सकें। वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे। एम्पियर मीटर को सीरीज में जोड़ेंगे। वॉटमीटर को पैरेलल और सीरीज दोनों में जोड़ेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि एक कॉइल सीरीज में होगी और एक कॉइल पैरेलल में होगी। यदि सप्लाई डीसी है तो मीटर भी डीसी प्रयोग करेंगे और यदि सप्लाई एसी है तो मीटर भी एसी प्रयोग करेंगे। 3 कांस्टेंट करंट चार्जिंग सर्किट। डीसी सप्लाई को मेन स्विच से जोड़ेंगे। मेन स्विच के दूसरी ओर 2 तारों को निकालेंगे और दोनों तारों को एक-एक फ्यूज से जोड़ेंगे। एक फ्यूज के दूसरे सिरे को एम्पियर मीटर से जोड़ देंगे। एम्पियर मीटर को बैटरी के प्लस पॉइंट से जोड़ेंगे क्योंकि सप्लाई डीसी है, इसलिए मीटर भी डीसी वाले उपयोग होंगे। माइनस पॉइंट को 5 लैंप की जोड़ी से जोड़ेंगे। 5 लैंप के दूसरी सिरे को एक-एक स्विच से जोड़ेंगे। स्विच के दूसरे सिरे को आपस में जोड़कर फ्यूज के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे और इस तरह सर्किट तैयार हो जाएगा। 4 कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग सर्किट। इसे पिछले सर्किट की तरह बनाएंगे, बस अंतर यह होगा कि 5 लैंप और स्विच की जगह पर एक रिहोस्टेट बना देंगे। बैटरी चार्जिंग मेथड बाय बैटरी चार्जर। पहले बैटरी बनाएंगे, पैनल बोर्ड बनाएंगे जिसमें सबसे ऊपर एम्पियर मीटर और वोल्टमीटर बनाएंगे क्योंकि सप्लाई डीसी है, इसलिए मीटर भी डीसी वाले उपयोग होंगे। दोनों मीटर के नीचे एक-एक रेगुलेटर बनाएंगे। एम्पियर मीटर के नीचे बैटरी के कनेक्शन पॉइंट बनाएंगे। वोल्टमीटर के नीचे इंडिकेटर और स्विच बनाएंगे और एक तरफ से डीसी सप्लाई को जोड़ देंगे।